कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार में बने रहना इस वक्त ठीक नहीं है और वो 2-3 दिन में आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने विधायकों की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया है। मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूँ और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कागार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। चलिए, तो विक्रमादित्य सिंह ये वही मंत्री हैं जो राम मंदिर में दर्शन करना है नहीं करना उस मामले में पार्टी लाइन से हट गए थे, पहुंचे भी थे अयोध्या और अब इस्तीफा दे चुके हैं पार्टी से। इधर हिमाचल के पूरे घटनाक्रम पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा। तो चुनाव तो राजेंद्र थे राज्यसभा के, लेकिन उसके आड़ में बहुत कुछ घट गया, क्या लग रहा है अब क्या आगे होता हुआ दिखाई देगा हिमाचल में? बिल्कुल, विपक्ष के वॉकआउट और निष्कासन के बीच में बजट जरूर पास हो गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हलचल, राजनीतिक माहौल बहुत तेज हो गया है। लगातार नई खबरें निकल कर आ रही हैं और जिस तरह से 6 कांग्रेस के विधायक बागी हो गए हैं, इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक जिनका पहले कांग्रेस को समर्थन था अब वो भाजपा के साथ चले गए हैं राज्यसभा चुनावों में भी और उसके बाद सदन के अंदर भी। तो ये 9 विधायकों की बगावत के बाद अब कांग्रेस सरकार के पर खतरे के बादल मंडराना शुरू हो गए हैं और आज सुबह ही विधायक विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा हुआ और इसके बाद अब दावा नेता प्रतिपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि और विधायक भी हैं जो उनके संपर्क में हैं और इसीलिए डिवीजन की मांग सभी फाइनेंशियल विल के ऊपर, विधेयकों के ऊपर सदन के अंदर मांगी गई थी विपक्ष की तरफ से, जिसको विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से नकार दिया गया था। लेकिन अब देखना होगा क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है, अब भाजपा के पाले में गेंद है, भाजपा अब क्या रुख अपनाती है, क्या राज्यपाल को इंटरवीन करने के लिए भाजपा की तरफ से रिक्वेस्ट किया जाएगा। हालांकि सुबह भाजपा का विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर आ चुका है, पूरी स्थिति से राज्यपाल को अवगत करवा चुके हैं। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि क्या विपक्ष कोई कानूनी विकल्प भी ले सकती है, क्योंकि जिस तरह तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो राजेंद्र यहां पर बन गया है। एक तरफ सरकार के जो प्रमुख हैं वो दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन दूसरी तरफ शायद नंबर अब उनके पास होते हुए नहीं दिखाई देंगे, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की तरफ बढ़ेगा, राज्यपाल से मिलेगा। तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त हिमाचल में, नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इधर राजेंद्र, सुक्खू सरकार ने विधानसभा में बजट पास करा लिया है जैसा हम आपको बता रहे थे, लेकिन आगे क्या होगा, कांग्रेस की सरकार बचेगी या रहेगी? तो आज यही आवाज अड्डा में हम बात करने जा रहे हैं कि विपक्ष में भागम भाग हो गई है, सामने जरूर है हिमाचल, लेकिन ये कुछ बड़ा इशारा तो नहीं है लोकसभा चुनाव की तरफ। आज का आवाज अड्डा इसी पर होगी बड़ी चर्चा।